Hello, hi everyone. Welcome back to our channel. In this video, we'll check out a video by Ritik titled as Outrigger Insan Earns Crores Through Multiple YouTube Channels. Malhan Family Business. Let's jump to the video. मैंने पापा को बोल दिया मेरे को जॉब ही नहीं करनी. मेरे उस वक्त यूट्यूब पे अराउंड आई थिंक 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे. तो मैंने पापा को बोल दिया, पापा मैं ना अब यूट्यूब ही करूँगा फुल टाइम, अब इससे मैं कुछ ना कुछ पैसे तो बना लूँगा एंड ये जॉब नहीं कर सकता मैं. पापा ने मेरे को डांट दिया. पापा वाज लाइक, 4 साल तूने इंजीनियरिंग में कम से कम 12 लाख रुपए की फीस भरी है एंड अब तू ये बोल रहा है. एक टाइम था जब ट्रिगर्ड इंसान को बेकार काम करने की वजह से जॉब से निकाल दिया गया था, बट आज वो यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. 3 महीने मैंने उस जगह पे काम करा, 3 महीने के बाद उन्होंने मेरे को निकाल दिया. ये मैंने आज तक कभी नहीं बताया. बुरा फील होता था ये बताने में कि मेरी फर्स्ट जॉब से मेरे को निकाल दिया था. आज वो यूट्यूब से इतना सारा पैसा कमा रहे जितना अपनी जॉब में कभी भी नहीं कमा पाते. मैंने बोला हाँ, इसको 13 लाख रुपए मिलेंगे, गेम खेल लेंगे. मैंने बोला हाँ. तो ये कमरा मेरे पुराने वाले घर में जो मेरा रूम था प्लस मेरा किचन प्लस मेरा बाथरूम वो मिला के भी उससे बड़ा है एंड ये गेस्ट रूम है. दिस इज ये गेस्ट रूम है. कह रहे वो देख निश्चय कमरे में बैठा है, वीडियो बना रहा है, पैसे कमा रहा है. एंड सच ही कह रहा हूँ आपको, गेमिंग में इतना पैसा है ना, ये लोग क्या छाप रहे हैं, ये इसको देखो आप, आपको मालूम नहीं है. हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूँ. ये ऐसी स्ट्रेटजीज है जो आप अपने खुद के चैनल पर अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो. एंड इस वीडियो में आज हम निश्चय की 3 ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. फर्स्ट इज यूट्यूब एडसेंस. बहुत लोगों के यूट्यूब पर एक चैनल होता है, कुछ लोगों के 2 चैनल होते हैं, कुछ लोगों के 3 चैनल भी होते हैं, बट निश्चय मलान के केस में, ट्रिगर्ड इंसान के केस में उनकी पूरी की पूरी फैमिली ही यूट्यूब पर है. जैसे उन सबको पता चला कि यूट्यूब के थ्रू कितने सारे पैसे मिलते हैं तो उन सब ने अपनी जॉब वॉब छोड़कर यूट्यूब ही करना शुरू कर दिया. सबसे पहले निश्चय ने अपनी जॉब छोड़कर यूट्यूब फुल टाइम स्टार्ट किया. घर से निकला कि जॉब जाऊंगा एंड जॉब गया ही नहीं, अपने कॉलेज के हॉस्टल चला गया अपने फ्रेंड के पास और वहीं पे रहा. रात को घर वालों को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे कुछ काम है तो आज मैं घर नहीं आऊँगा. पूरी रात मैं वीडियो बना रहा था. उस दिन मैंने अपनी पहली वॉइस वाली वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपनी खुद की आवाज़ डाली एंड वो अपलोड करी एंड उस वीडियो पे व्यूज़ तो कुछ नहीं आए लेकिन उसके बाद मैंने YouTube भी आगे परस्यू करा. आज निश्चय मलान के 3 YouTube चैनल है. सबसे पहले ट्रिगर्ड इंसान जिस पर 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं. सेकंड इज लाइव इंसान जिस पर वो गेमिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं एंड इस पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. एंड थर्ड इज निश्चय मलान शॉर्ट जिस पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड इस पर वो शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं. फिर जैसे जैसे ट्रिगर्ड इंसान की पॉपुलैरिटी बढ़ी एंड घर में पैसा आना शुरू हुआ तो उनके छोटे भाई ने भी अपना 6 करोड़ का बिजनेस छोड़कर यूट्यूब फुल टाइम शुरू कर दिया. मतलब अगर अब आप जब से मैंने बिजनेस छोड़ा है तब से अब की वीडियोस देखोगे ना तो अब आपको लगेगा कि हाँ भाई इन वीडियोस में तो काम चल रहा है. अब रिसेंटली हमने कैरी मराठी के लिए 30 मिलियन का प्ले बटन बनाया था, 37 मिलियन का. अभी अभिषेक मलान और फुकरा इंसान के 4 यूट्यूब चैनल्स हैं. फर्स्ट इज फुकरा इंसान जिस पर 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. सेकंड इज फुकरा इंसान लाइव जिस पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. थर्ड इज मलहान रिकॉर्ड जिस पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. फोर्थ इज फुकरा इंसान शॉर्ट जिस पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. अब दोनों बेटे यूट्यूब पर है तो उनकी मम्मी ने भी यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया. आज मम्मी मेरी सुबह 9 बजे उठ जाती है, एडिटर को कॉल करेंगी, भाई वीडियो दे दो. हाँ, इसका थंबनेल ऐसा बनाना है, उसमें फिर वीडियो डाल देंगी. अब वो ये बता इसका टाइटल क्या रखूं, थोड़ा क्लिकबेट सा बता. मम्मी का क्लिकबेट. हां मम्मी का, ये बहुत सही चीज है यार, बहुत सही. मैं कह रहा हूं बेस्ट चीज है. उनकी मम्मी के YouTube चैनल का नाम है डिंपल मलहान व्लॉग्स एंड इस पर 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. फिर मम्मी बेटे दोनों YouTube पर है तो भाई बहन भी YouTube पर आ गई. उनकी बहन के YouTube चैनल का नाम है वंडरर हब एंड इस पर अराउंड 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. अब घर में सब यूट्यूबर्स हैं, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं तो उनके पापा ने सोचा कि भाई मेरे जॉब पर जाने का क्या फायदा. तो उनके पापा ने खुद की जॉब छोड़ के घर में जो इनकम आ रही थी उसको मैनेज करना शुरू कर दिया. भाई घर में करोड़ों रुपए आ रहे तो कोई तो चाहिए ना उन पैसों को मैनेज एंड इन्वेस्ट करने के लिए. पापा ने भी काम छोड़ दिया, ठीक है, भाई भी घर पे, मम्मी भी घर पे, दी भी घर पे, जीजू भी घर पे, सब यूट्यूब कर. फिर मैंने कहा चलो भाई मैं भी घर पे. वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल गया. भाई इतने सारे YouTube चैनल्स का एड रेवेन्यू निकालने लग गए तो भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा. हर बंदे के 3-4 YouTube चैनल्स हैं, सब पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं. YouTube की सबसे बेस्ट बात है बस एक चैनल को चलना है, उसके बाद सबको शाउट आउट देकर आप उन चैनल्स को भी ग्रो कर सकते हो. जैसे कि निश्चय मलान के केस में सिर्फ उनका चैनल चला था, उसके बाद उन्होंने सारे फैमिली मेंबर्स के YouTube चैनल को शाउट आउट दिया एंड अब सबका YouTube चैनल चल रहा है, सबके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं. वो कितने सारे पैसे YouTube के थ्रू कमा रहे हैं इसका आइडिया आप उनके रीसेंट परचेज उनके घर से लगा सकते हो जो कि 17 करोड़ रुपए का है.
अब ये पूरा का पूरा घर उन्होंने सिर्फ यूट्यूब की इनकम से कमाया है, किसी बिजनेस के थ्रू नहीं, किसी सेविंग्स के थ्रू नहीं, किसी जॉब के थ्रू नहीं, बट यूट्यूब के थ्रू, एंड वो भी 26 की एज में, जो कि बहुत बड़ी बात है। मेरी और निश्चय की लड़ाई हुई कि नए घर की वीडियो कौन डालेगा। अच्छा ठीक है, मैंने बोला भाई पैसे मैंने भी 50 दिए, पैसे तूने भी 50 दिया, तो इक्वल होना चाहिए। फिर आते हैं गुरु जी पापा, निश्चय के व्यूज ज्यादा आते हैं, वो डाले। मैं कहा चलो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। तो बात करते कि वो YouTube AdSense के थ्रू कितना पैसा कमा रहे हैं, जो कि उनकी ओवरऑल इनकम का 10% भी नहीं होगा। आपको तो पता ही होगा कि जितना पैसा यूट्यूबर्स AdSense के थ्रू कमाते हैं, उसके 3 to 4 times वो ब्रांड डील्स के थ्रू कमाते हैं। फॉरेन में AdSense फिर भी ठीक है, बट इंडिया में तो यार बहुत ही बेकार है। सबसे पहले बात करते कि ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी डिंपल मल्हान ब्लॉग्स यूट्यूब AdSense के थ्रू कितने पैसे कमाती है। यानी यूट्यूब AdSense की इनकम है ब्रांड डील्स का 3 to 4 times होगा। 1 month income of Dimple Kitchen is around $1,600, which is 1 lakh Indian rupees, and in year there are $20,000 and about 15 to 20 lakh Indian rupees. Wow. I think This is justified. मम्मी 1 lakh रुपए इनकम होगी मम्मी की इतनी। तो भाई आंटी आराम से YouTube AdSense के थ्रू 1 lakh रुपीस पर मंथ कमा रही होगी। मैं ना सबके मेन चैनल की बात करूंगा, क्योंकि मेजरली वो इनकम उनके मेन चैनल से आ रही होगी, बाकी छोटी मोटी इनकम उनके साइड चैनल से आ रही होगी। बट अगर मैं सबके बारे में बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। खैर अब बात करते हैं फुकरा इंसान की। भाई फुकरा इंसान नेटवर्थ कहीं सही नहीं है, लाइक YouTube से हमारी इनकम बन जाती है 7-8 lakh रुपए। तो भाई फुकरा इंसान YouTube AdSense के थ्रू 7 to 8 lakh रुपए पर मंथ आराम से कमा रहे होंगे। एंड अब फाइनली बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान की कि वो यूट्यूब के थ्रू कितने पैसे कमा रहे हैं, एंड ये चीज उन्होंने गलती से अपनी स्ट्रीम में रिवील कर दी थी। हार्ट बनेगा। अरे गया स्ट्रीम गया, चैनल ही ना उड़ा दिया होगा आई थिंक। और बस यहाँ पे अगर आप लोग इनका चैनल का एनालिटिक्स देखते हो तो यहाँ पे इनका इनकम बाय मिस्टेक शो हो जाता है ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। एंड यहाँ पे इनका 1 month का इनकम अराउंड $16,000 है, एंड इसको अगर आप लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो वो तकरीबन 11.5 lakh रुपए तक हो जाता है, यानी कि 11.5 lakh रुपीज सिर्फ यूट्यूब से। इस टाइम पर ट्रिगर्ड इंसान के 7 million सब्सक्राइबर्स थे, बट आज उनके आराम से 17 million सब्सक्राइबर्स है, तो इस अमाउंट का से डबल कमा रहे होंगे, मतलब 20 to 25 lakh रुपीस पर मंथ फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस। तो उनकी पूरी की पूरी फैमिली अपने मेन चैनल्स के थ्रू आराम से 35 to 40 lakh रुपीस पर मंथ कमा रही होंगी, एंड ये सिर्फ यूट्यूब एडसेंस है, ब्रांड का पैसा अलग होगा। एंड अगर हम उनके सारे चैनल्स की बात करें, क्योंकि हर एक बंदे के 3-4 चैनल है, अगर सारे चैनल्स की बात करें, वो महीने के आराम से 50 lakh रुपीस प्लस कमा रहे होंगे सिर्फ यूट्यूब एडसेंस के थ्रू। तो अब बात ही कर लेते हैं उनके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो कि है ब्रांड डील्स। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप होती है वो आपके YouTube AdSense का 3 to 4 times आराम से होता है। या ब्रांड स्पॉन्सरशिप की बात करें तो आंटी इतना पैसा नहीं कमा रही होगी कंपेयर टू ट्रिगर इंसान है फुकरा इंसान, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, एंड उनके जो कंटेंट है वो भी ब्लॉग से रिलेटेड है, आंटी के ब्लॉग्स वगैरह है, तो इसलिए उनका ब्रांड स्पॉन्सरशिप अमाउंट कम होगा। बट जब हम बात करते हैं ट्रिगर इंसान एंड फुकरा इंसान की, तो लाखों रुपए छाप रहे होंगे ब्रांड डील्स के थ्रू। एक 4-5 वीडियोस का बल्क अमाउंट आया हुआ था एक बारी में। अच्छा, काफी सही अमाउंट आता, अच्छा था। कितना सही था? 40-50 प्लस था। ओ भाई भाई 4-5 वीडियोस की 40 to 50 lakh रुपीस, इतने तो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ की सैलरी भी नहीं होती जितना फुकरा इंसान 4-5 वीडियोस के लिए चार्ज कर रहा है। अगर हम एवरेज निकाले तो फुकरा इंसान आराम से एक वीडियो एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप के 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते होंगे, एंड मोस्टली उनकी वीडियो स्पॉन्सर्ड ही होती है, तो आराम से ब्रांड डील्स के थ्रू 40 टू 50 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहे होंगे। अब ट्रिगर्ड इंसान के व्यूज फुकरा इंसान से डबल आते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांड्स है ना वो व्यूज के बेसिस पर आपको पैसे देते हैं, लाइक्स के बेसिस पर नहीं, कमेंट के बेसिस पर नहीं, बट व्यूज के बेसिस पर। एंड ट्रिगर्ड इंसान के जो व्यूज है वो फुकरा इंसान से डबल आते हैं, मतलब उनका ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी अमाउंट आराम से डबल होगा। तो ट्रिगर्ड इंसान एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप के आराम से 20 to 25 lakh रुपीस चार्ज करते होंगे, एंड जो बाकी लोग भी उनके नीच में वो भी आराम से इतने ही पैसे चार्ज करते होंगे एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप के। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन होती है काफी कॉन्फिडेंशियल होती है, ऑल्सो डिपेंड करते हैं ब्रांड टू ब्रांड कि आपकी डील कितने में हुई है उस ब्रांड के साथ। तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। थर्ड एंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ट्रिगर्ड इंसान एके निश्चय मलान इज एक्चुअली वर्किंग विद वेरी बिग मीडिया कंपनीज लाइक 1UP गेमिंग, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, हसले इंडिया, प्लेग्राउंड, स्पॉटिफाई एंड बहुत सारी और। ट्रिगर्ड इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, जिसके वो आराम से लाखों रुपए चार्ज करते हैं। एग्जैक्टली कितना अमाउंट उनको मिलता है ये तो कहीं पर भी रिवील नहीं हुआ, बट जो उनका रीसेंट रियलिटी शो है प्लेग्राउंड वो काफी पॉपुलर हो रहा है। उस शो में क्या कर रहे थे हम? सिर्फ सो कॉल्ड मेंटर्स थे जिन्होंने बस अपनी टीम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ना हमें कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। जैसे रोडीज का एक कॉन्सेप्ट है कि जो मेंटर्स है उन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उनको क्या करना है, खेलना तो बाकी उन सब नहीं है ना। लेकिन द पॉइंट वॉज कि हमारी इन्वॉल्वमेंट थी फॉर
द एंगेजमेंट मार्केटिंग मार्केटिंग एग्जैक्टली के लाइक जो उसमें अभी प्लेग्राउंड में आ रहे हैं वो अभी थोड़े नए क्रिएटर्स हैं, अभी उनकी उतनी फैन बेस नहीं है. सो हमारा मेरा कैरी मॉर्टल एंड स्काउट का मेन बस काम सिर्फ फेसेस था. उस वक्त तो हमारे ना हमें कोई इवेंट्स मतलब हमें कोई कंपटीशन में खेलना था, हमें सिर्फ अपनी टीम सेलेक्ट कर ली. उसके बाद सिर्फ हफ्ते में आई थिंक हर हफ्ते चार हफ्ते थे, चार हफ्तों में मेरे ख्याल से एक या दो बार बस ऐसा मीट्स वगैरह पे बैठना होता था, जस्ट यू नो टॉक टू योर टीम, उनको मोटिवेशन समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए. इसके अलावा हम क्या ही कर सकते थे. बाकी आई थिंक ओवरऑल उनका आइडिया बहुत अच्छा था कि ऐसे कॉम्पिटिशन शोज वगैरह तो बहुत हुए लेकिन गेमिंग गेमर्स के लिए कोई नहीं हुआ था. आज क्रिकेट इंसान है, उनकी फैमिली करोड़ों रुपए कमा रही है पर मंथ, वो भी सिर्फ यूट्यूब के थ्रू. इसलिए तो उन्होंने गुड़गांव में अपना 17 करोड़ का घर अभी रिसेंटली लिया है. घर भी नहीं, पूरा का पूरा विला है वो. ये सब कुछ उन्होंने 26 की एज में किया है एंड वो भी सिर्फ यूट्यूब के थ्रू. लास्ट में आई जस्ट वांट टू थैंक टू पीपल. पहला यूट्यूब, आई लव यू. दिस प्लेटफॉर्म हैज गिवन मी एवरीथिंग. आई लव यू नहीं, आई लव यूट्यूब. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो. कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम जरूर मेंशन करना ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना पाऊं. एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब to my channel. Okay guys, so that's it for the video. Okay, thank you, bye.